मित्रों, आज अगर हम ये कहें कि रामपुर में पहली बार लोक निर्माण विभाग का पैसा रामपुर जनपद को सही दिशा में मिला है, तो ये बात बिल्कुल सही होगी। क्योंकि जनपद रामपुर के इतिहास के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से रामपुर में सरकारी पैसे का यहां पर उपयोग हुआ। एक आदमी ने सिर्फ अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नगर विकास मंत्री होते हुए 100 करोड़ रुपया अपनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में लगाया। लोक निर्माण विभाग का लगभग 70 करोड़ रुपया एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में लगाया। ये बात साबित हो चुकी है। रामपुर में जितने भी विकास कार्य के नाम जो पैसा आया, लगभग 5500 करोड़ रुपया, क्या आपको लगता है कि इस नगर विधानसभा में 5500 करोड़ रुपया कहीं तक हो? एक ही सड़क को 5-5, 6-6, 7-7 बार डाल दिया गया, और वो सिर्फ इसलिए डाल दिया गया कि एक आदमी की व्यक्तिगत स्टेशन को भरा जा सके। समय गवाह है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुल और उत्तर प्रदेश का सबसे महंगा पुल 350 करोड़ का, जिसका एक सप्ताह तक उत्सव मनाया गया और यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश का सबसे महंगा और सबसे बड़ा पुल है, एक आदमी ने अपनी गाड़ी अपने इंस्टीट्यूशन तक ले जाने के लिए बनाया। वह यह बताना भूल जाता है कि सबसे बड़ा पुल के साथ साथ उस पुल की खासियत यह है, जिसमें हमारा और आपका जो पैसा लगा हुआ है, उसकी खासियत यह है कि उस पुल के नीचे से ना तो कोई रेलवे लाइन जाती है, ना कोई नदी जाती है, और ना ही कोई ऐसी चीज जाती है जिसकी वजह से वो पुल बनाया गया। वो पुल क्यों बनाया गया? वो पुल जो जिन लोगों ने नीचे की जमीनें अपने व्यक्तिगत इंस्टीट्यूशन को देने से मना कर दिया, जिन्होंने दबाव में आकर रजिस्ट्री करने से मना कर दिया, उनकी जमीनों को बर्बाद करने के लिए वो पुल बनाया गया, और अपनी एक गाड़ी अंदर तक बाहर जा सके इसलिए वो पुल बनाया। न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन आज हर चीज जनता के सामने है। आज जितिन जी के आशीर्वाद से जनपद रामपुर को जो सौगात मिली है, आप विश्वास करना पूरे जिले पर तो उनका आशीर्वाद रहा ही है, लेकिन नगर विधानसभा में सबसे पहले आपने शाहबाद से स्वार तक जो पीडब्ल्यूडी की रोड है उसका चौड़ाकरण का काम जो 200 करोड़ का है, सबसे पहले वो काम है। उसके बाद भैया नगले का पुल, भैया नगले में लगभग 4000 लोग इस तरीके से वहां रहते थे कि बरसातों में लगभग 2 महीना अपना राशन लेकर वहीं रहते थे। आपके संज्ञान में ये बात आई और आपने वहां पर 45 करोड़ की लागत से भैया नगले का पुल। नगर विधानसभा में सर्किट हाउस, लगभग 1 करोड़ रुपए में सर्किट हाउस को आज जनता के आगे सामने हो। हर काम अगर हम बारीकी से देखें तो जतिन जी ने रामपुर की जो जरूरत थी जरूरतों को समझा, और समझा ही नहीं, हर काम को धरातल पर किया, और आज एक एक काम लगभग पूर्ण होने की स्थिति में। आज जिस तरीके का माहौल देश में है, उत्तर प्रदेश में है, उसमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह यही करूंगा कि जिस आशीर्वाद के साथ आज माननीय मंत्री जी ने जो लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया है, कुछ काम अभी और भी हैं, क्योंकि देखिए काम कभी खत्म नहीं होते, और रामपुर को जब से देश आजाद हुआ है कि नगर विधानसभा में पहली बार जनता जीती है, वरना यहाँ आज तक सिर्फ शासक ही जीता है, यहाँ पर आज तक कभी यहाँ जनता नहीं जीती। लेकिन मुझे विश्वास है कि आशीर्वाद इनका जैसे पहले बना ऐसे बना रहेगा। मित्रों, बातें तो बहुत हैं, हम लोग आप लोग सब मंत्री जी को सुनने आए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।